अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान महक शाहिद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, 56 नेशनल चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया है क्वेटा में। इस चैम्पियनशिप में 10 से ज़ायद टीमें हिस्सा ले रही है और 100 से ज़ायद खिलाड़ी इस नेशनल चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रही है। ये नेशनल चैम्पियनशिप तकरीबन 27 साल के बाद क्वेटा में मुनक़द हो रही है। आज इस नेशनल चैम्पियनशिप का इफ्तिताह हुआ है और इफ्तिताह मेहमान खसूसी DG स्पोर्ट्स दुर्गा बरोज ने इफ्तिताह किया और इस टाइम ज़बरदस्त मैचेस खेले जा रहे हैं। आइए चलते हैं और नेशनल चैम्पियनशिप को मुलाहिज़ा करते हैं। खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ की प्रिया मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर। जी, सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को अपना इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात है, मैं KPK से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारी नेशनल हो रही है क्वेटा में, तो हम सारे इधर हमने पार्टिसिपेट किया और मैं जूनियर लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल चुकी हूँ और काफ़ी मेडल अपने मुल्क के लिए जीत चुकी हूँ। और अभी हम जब खेलने आए हैं तो हमारे अभी मैचेस चल रहे हैं। पहला मैच क्वेटा से था जो कि हम जीत गए हैं। अभी अगला मैच पंजाब से स्टार्ट है तो वो अभी खेला जा रहा है। तो इसी तरह से अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और कौन कौन फाइनल में पहुंचता है। और हमारा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा है, अच्छे लोग हैं और हमें अच्छा लग रहा है यहाँ आके खेलने में। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ़ है और मैं HEC हायर एजुकेशन कमीशन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और उनकी तरफ से यहाँ नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने आए हैं। हमारा पहला मैच आज़ाद जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट हुआ है जो हम 3-0 जीत गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आगे हमारा सिंध के साथ मैच है और बलूचिस्तान और त्रोमा के साथ मैच है। 3 मैचेस अभी फर्स्ट राउंड के हमारे रहते हैं। ये टूर्नामेंट सीनियर नेशनल मेन एंड वोमेन चैम्पियनशिप, टेबल टेनिस चैम्पियनशिप क्वेटा में तकरीबन 28-30 साल बाद मुनक़द हुआ था, जिसमें हमारे पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन के सारे एफिलेटेड यूनिट्स जिनमें चारों सूबों समेत आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद और इनके साथ डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान वापडा, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेलवेज, HEC और क्रोमोटेक्स की टीमें इसमें शिरकत कर रही हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि यहाँ पर अच्छे मैचेस चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त मुकाबले हो गए हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के साथ साथ जितनी भी दूसरी टीमें हैं वो भी अच्छा खेलती हुई हमें नज़र आ गई। मेरे साथ बलूचिस्तान टीम की खिलाड़ी भी जुड़ते, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप अपना तारुफ करवाएँ। जी, मैं सईदा बलूचिस्तान वुमेन टीम की कैप्टन हूँ। अच्छा, मुझे आज बताएं कि आपने कितने मुकाबले खेले हैं अब तक और उनका रिज़ल्ट क्या था, हमारे नाज़रीन को बताएं। हमारे 2 मैचेस हुए जो वुमेन टीम की थी ना, पहला जो हमारा मैच था पेशावर के खिलाफ था और पेशावर के खिलाफ मैं अपना मैच जीत गई, लेकिन जो दूसरा मैच था हमारा पंजाब टीम के खिलाफ था और उसमें मैं हार गई पंजाब टीम के खिलाफ। अच्छा, यहाँ क्वेटा में इतने बड़े चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया है, आप देख रही हैं कि पूरे पाकिस्तान से टीमें आई हैं। 27 साल के बाद यहाँ पर चैम्पियनशिप हो गई टेबल टेनिस चैम्पियनशिप, तो क्या कहेंगी आप? ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे पहले जो होते थे हम टूर्स के लिए दूसरे सिटीज़ में जाते थे ना, लेकिन हमें होस्ट करने का मौका मिलता ही नहीं था। अभी टीमों को यहाँ पर देख के बहुत खुशी होती है, मतलब जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं और क्वेटा में भी ऐसे मैचेस देखने को मिलते हैं। इसके फ़ायदे ये है कि जो बाकी प्लेयर्स हैं, मतलब जिन्हें टेबल टेनिस का आइडिया नहीं होता ना, तो वो लोग भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। अब तक ये इतना ही, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा और आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक ये अल्लाह हाफिज़।